Hello everyone, you are welcome to Best Notes Tutorial. In this video, we will be talking about Light in August, and this is by, again, Faulkner. So we have done now three works with including this one by Faulkner. तो हम कर रहे हैं एक राइटर की पूरी सीरीज. अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है इस सीरीज को, तो आप लोग इसका फर्स्ट वर्क कर सकते हैं. एज आई ले डाइंग हम कर चुके हैं. फर्स्ट वर्क जो था वो आपका एज आई ले डाइंग था, और दूसरा साउंड एंड फ्यूरी, और थर्ड जो हम कर रहे हैं वो है आपका लाइट इन अगस्त विलियम फॉकनर का. अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की और यूजीसी नेट की, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा. विलियम कदबर्ट फॉकनर इनका कंप्लीट नेम है. इनके बारे में हम पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल में बता चुके हैं, तो हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन इसके बारे में नहीं करेंगे. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि साउंड एंड फ्यूरी जो कि 1929 में पब्लिश हुई थी, एज आई ले डाइंग 1930 में, और लाइट इन ऑगस्ट हम अभी कर रहे हैं. इस वर्क को हम कंप्लीट करेंगे अभी. और लाइट इन अगस्त के बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं. जैसा कि मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताया कि राइटर का बैकग्राउंड, आपका वर्क का बैकग्राउंड, और इसके इसके जो समरी है वर्क की, और जो कैरेक्टर्स हैं, इतने चीज़ों से आप लोगों के क्या होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं. तो आप किसी भी वर्क को अगर स्टडी कर रहे हैं, तो आप इन चार चीज़ों को माइंड में रख सकते हैं. तो चलिए, सबसे पहले अब हम, क्योंकि राइटर का जो बैकग्राउंड है उसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में, तो उसे हम छोड़ देते हैं. अब हम बात करेंगे वर्क के बैकग्राउंड के बारे में. तो लाइट इन अगस्त, लाइट इन अगस्त इज एन 1932 नावल बाय सदर्न अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर. तो ये जो लिखी गई है वो आपकी अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर ने लिखा है. इट बिलोंग्स टू द सदर्न गॉथिक एंड मॉडर्निस्ट लिटरेरी जेनर. तो जो पिछली दो वर्क देखे हैं हमने, वो भी आपके सदर्न गॉथिक और मॉडर्निस्ट लिटरेरी जेनर से ही कनेक्टेड थे, और उन्हीं से बिलोंग करते हैं. तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं, सदर्न गॉथिक मॉडर्निस्ट वर्क है ये. Set in the author's present day, the interwar period, the novel centers on two strangers, a pregnant white woman and a man who passes as white, but who believes himself to be mixed ethnicity. तो यहाँ पे क्या है कि उसकी mixed ethnicity है, और there is, because this is a story of two strangers. तो अभी हम जब इसकी summary देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा. इन अ सीरीज ऑफ फ्लैशबैक, जो पिछला वर्क था वो भी आपका क्या है, फ्लैशबैक में ही चलता है. और मिक्स्ड एथनिसिटी की बात होती है, अगर हम बोले कि क्वेश्चन आता है अगर आपके पास में कि किस वर्क में जो प्रोटैगनिस्ट है वो प्रोटैगनिस्ट मिक्स्ड एथनिसिटी का है, या हम बोलें कि बाय रेशियल है, एक वर्ड यूज होगा बाय रेशियल इस वर्क में, तो बाय रेशियल प्रोटैगनिस्ट किस वर्क में है, तो आपका यही वाला वर्क होगा. बैकग्राउंड ऑफ द नॉवल के बारे में बात करेंगे. लाइट इन अगस्त नॉवल बाय विलियम फॉकनर पब्लिश इन 1932 में पब्लिश हुई है. तो अगर आप सीरीज से याद रखेंगे ऊपर, तो आप लोगों को याद रहेगा कि 29 जो है वो साउंड ऑफ फ्यूरी है, और 30 आपका एज आई ले डाइंग है, और आके अगर आप इसमें लाइट देखेंगे लाइट इन अगस्त, तो ये आपका क्या है, 1932 है. तो 32, 29, 30, 32, ये तीनों भी आपको याद हो जाएंगे. तो इसी तरह से हमें, अगर हम एक सीक्वेंस में याद करते हैं चीज़ों को, तो डेफिनेटली हमें बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं. सो दिस इज सेवन्थ इन द सीरीज ऑफ फिक्शनल योकनापटावफा काउंटी. तो पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ योकनापटावफा के बारे में, कि यही वो जगह है जो फिक्शनल जगह है, जो कि राइटर विलियम फॉकनर ने क्रिएट की है अपने अपने वर्क्स के लिए. तो आगे चलते हैं. द सेंट्रल फिगर ऑफ लाइट इन अगस्त इज ऑर्फन जोई क्रिसमस. यहाँ पे क्या है कि जो सेंट्रल फिगर है, या हम कहें प्रोटैगनिस्ट है, वो कौन है आपका, ऑर्फन जोई क्रिसमस, हुज मिक्स्ड ब्लड कंडेम्स हिम टू लाइफ एज एन आउटसाइडर हेटेड एंड पिटेड. और यही जो उसका मिक्स्ड ब्लड हमने कहा, मिक्स्ड ब्लड कह लें हम उसे, या बाय रेशियल कह लें, इसी की वजह से उसे आउटसाइडर माना जाता है, उसे हेट किया जाता है, और ही इज पिटीड. जो इज फ्रिक्वेंटली विप्ड बाय साइमन मैकर्न. सो साइमन मैकर्न जो है वो क्या है आपका, उसके फादर है एंड प्यूरिटेनिकल फार्मर
हु रेजेज हिम, ये उसके मीन्स बायोलॉजिकल फादर तो नहीं है लेकिन उन्होंने इसको पाला है. एंड सेवियसली बीटिंग हिज अडॉप्टिव फादर जो ही लीव्स होम व्हेन ही वॉज 18, और जब वो 18 साल का होता है तो इसलिए अपना घर छोड़ देता है. ही देन वॉन्डर्स फॉर 15 ईयर्स, 15 साल तक घूमता है इधर उधर, और इवेंचुअली मूविंग इन दी जोआना बर्डन. और जो जोआना बर्डन है यही वो वुमेन है जिसे वो मिलता है, अ वाइट वुमेन डिवोटेड टू हेल्पिंग ब्लैक्स. हर इवेंचुअलिज्म कम्स टू रिमाइंड जोईस ऑफ सिमंस एंड ही मर्डर्स हर, और बाद में जो जोई है वो ही इसका मर्डर कर देता है. बिट्रेड बाय हिज कंपेनियन लूकस बर्च, जोईस हंटेड डाउन, किल्ड एंड कैस्ट्रेटेड. तो बाद में उसका एक फ्रेंड होता है लूकस बर्च, जो कि क्योंकि उसने मर्डर किया होता है किसका, जोआना बर्डन का, तो उसका ही फ्रेंड उसे क्या करता है, पकड़वा देता है और उसे हंट डाउन कर दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है बाद में. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. हम ये देख चुके हैं कि ये आपकी 7th नावल है, दिस इज 7th नावल एंड पब्लिश्ड इन 1932. The novel is set in American South during Prohibition and features an ensemble cast of characters who grapple with alienation, racism and heartbreak across a non-linear narrative. तो यहाँ पर भी आपको non-linear narrative मिलेगा, means story में आप लोगों को बहुत ज़्यादा connectedness feel होगी नहीं, और पिछले वर्क में भी हमने यही देखा था साउंड एंड फ्यूरी में. तो इसकी जो थीम है वो क्या है, आपकी alienation है, racism है. ओके, तो ये दो चीज़ें आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगी. रेसिज्म तो हम ऑलरेडी अभी बात कर चुके हैं, एलिनेशन भी आप लोग फील करेंगे इसमें. क्लासिफाइड एज सदर्न गॉथिक एंड मॉडर्निस्ट नॉवल, लाइट इन ऑगस्ट इज कंसिडर्ड दिस सिमिलर वर्क इन 20th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर. सो नाउ कैरेक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें, सो वी हैव दीज कैरेक्टर्स. लेना ग्रोव, अ यंग प्रेगनेंट वुमेन फ्रॉम अलबामा who has traveled to Jefferson while looking for Lucas Burke, the father of her unborn child. तो जो लूकस बर्क जिसने जोई को पकड़वाया था उसको ढूंढने के लिए ही लेना ग्रोव आई है, एंड शी इज़ प्रेगनेंट. बायरन बंच, बैचलर हु वर्क्स एट द प्लानिंग मिल इन जेफरसन, हु मीट्स एंड फॉल्स इन लव विद लेना व्हेन शी अराइव्स इन टाउन. सो बायरन बर्च जो है वो ही फॉल्स इन लव विद लेना. And she has been told that a man named Bunch worked at the mill and assumes it Lucas Burch because the name sounds similar. और यही जो Bunch है, Byron Bunch है, वो Lucas Burch के बारे में बताता है. Next one is Gale Hightower. ये है आपका the former minister of Jefferson, forced to retire after his wife was discovered to be having an affair in Memphis and committed suicide. He is friend of and mentor of Byron. ये Byron का क्या है, friend है. Lucas Burch, Joey Brown, यही Lucas Burch या Joey Brown इसका नाम है. The young man who fathered Lena's child, ऊपर हमने Lena को देखा था जो कि pregnant है, उसके बच्चे का father है कौन, Lucas Burch, and ran away when she told him she was pregnant. जब उसे पता चलता है कि pregnant है तो वहाँ से भाग जाता है. सो ही हैज़ बीन लिविंग इन जेफरसन विद जोई क्रिसमस, और वो जोई क्रिसमस के साथ में जेफरसन में रहता है. अब जोई क्रिसमस के बारे में देखते हैं कि यही इसका प्रोटैगनिस्ट है. सो अ मैन हु केम टू जेफरसन 3 years प्रायर टू द इवेंट्स इन नॉवल, ही लिव्स इन केबिन ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ जोआना बर्डन. तो जोआना बर्डन की प्रॉपर्टी में रहता है. इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि वो किसके साथ में रह रहा है, जोआना बर्डन, एंड हैज़ अ सीक्रेट सेक्सुअल रिलेशनशिप विद हर, और उसकी सेक्सुअल रिलेशनशिप है किसके साथ में, जोई क्रिसमस के साथ में. नाउ लेटर ही किल्स हर. सो ऑल्दो ही हैज़ लाइट स्किन एंड इज एन ऑर्फन विद नो नॉलेज ऑफ हिज फैमिली बैकग्राउंड, और जो जोई क्रिसमस है उसको अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता. ही बिलीव्स दैट वन ऑफ हिज पेरेंट्स इज ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन एंसेस्ट्री एंड दिस सीक्रेट हैज़ कॉज्ड हिम टू बी हैबिचुअल वॉन्डरर. और क्योंकि वो ये मानता है कि अफ्रीकन अमेरिकन एंसेस्ट्री से जो भी उनके फादर थे एक पेरेंट है, और इसी की वजह से वो क्या करता है, वॉन्डरर है. रेसिस्ट जो बिहेवियर उसके साथ होता है वो इसी वजह से होता है, वो ये मान के चलता है. ही इज़ एम्प्लॉयड एट द प्लानिंग मिल अंटिल ही बिगेंस टू मेक अ प्रॉफिट एज बूटलेगर.
बाद में वो बूटलेगर बन जाता है। जोआना बर्डन, अभी हमने इनके बारे में देखा कि जोई के साथ में ये रहती हैं, दे सोल सर्वाइवर इन जेफरसन ऑफ अ फैमिली ऑफ अबॉलिशनिस्ट फ्रॉम न्यू इंग्लैंड हु केम टू जेफरसन आफ्टर सिविल वॉर। सिविल वॉर के बाद जब अबॉलिशन किया जाता है तो उनके बाद यही एक फैमिली में मेंबर बची रहती है। शी इज़ अनमैरिड, वो अनमैरिड है, लिव्स अलोन इन अ मैनर हाउस आउटसाइड ऑफ जेफरसन, इज सीक्रेटली एंगेज्ड इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद जोई क्रिसमस, इसके बारे में हम ऊपर देख चुके हैं। शी इज़ मर्डर्ड, उसे बाद में मार दिया जाता है, प्रिज्यूमेबली बाय क्रिसमस, वो क्रिसमस ही इसको, ये प्रिज्यूम किया जाता है कि क्रिसमस ही इसको क्या करता है, मारता है। तो क्रिसमस, जहाँ जहाँ क्रिसमस आएगा वहाँ पर आपको जोई याद रखना है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट ही ये करता है। स्टार्ट ऑफ द नॉवल एंड हर हाउस इज बर्न डाउन, और उसका जो घर है उसे जला दिया जाता है। यूफियस डॉक हाइंस, द ग्रैंड फादर ऑफ जोई क्रिसमस, ये ग्रैंड फादर है किसका, जोई क्रिसमस का। ही हेट्स क्रिसमस एंड गिव्स हिम अवे टू एन ऑफनेस व्हेन ही वॉज बॉर्न एंड स्टेइंग ऑन एज अ जेनिटर देयर इन ऑर्डर टू मॉनिटर द बॉय, और वही क्या करता है, जो जोई क्रिसमस जब पैदा होता है तो उसे ऑफनेज में देता है। लेटर व्हेन ही हियर्स दैट क्रिसमस इज बीइंग हेल्ड ऑन सस्पिशन ऑफ मर्डरिंग जोआना बर्डन, ही ट्रेवल्स टू जेफरसन विद हिज वाइफ एंड बिगिंस टू इंसाइट अ लिंच मॉब टू किल क्रिसमस, और बाद में क्या करता है, वही जो क्रिसमस है, जोई क्रिसमस है, उसको मारने के लिए मॉब को उकसाता है। देन मिसेस हाइंस, ये ग्रैंड मदर है जोई क्रिसमस की, एंड शी हैज़ नेवर सीन क्रिसमस आफ्टर द नाइट ऑफ हिज बर्थ एंड ट्रेवल्स टू जेफरसन टू इंश्योर दैट हर हस्बैंड डज नॉट सक्सेसफुली हैव हिम लिंच्ड बिकॉज शी वॉन्ट्स टू सी हिम अगेन वंस मोर बिफोर ही इज ट्राइड फॉर मर्डर। तो जो मिसेस हाइंस है वो आना चाहती है और अपने अपना जो पोता है उसका ग्रैंड सन है उसे देखना चाहती है एक बार। मिली हाइंस द टीनेज मदर ऑफ जोई क्रिसमस, ये टीनेज मदर है, शी कंसीव्स आफ्टर अ ट्रायस्ट विद द मेंबर ऑफ ट्रैवलिंग सर्कस हुम शी क्लेम्स इज मैक्सिकन, वो मानती है कि वो कौन है, मैक्सिकन है। शी डाइज इन चाइल्ड बर्थ आफ्टर यूफियस हाइंस रिफ्यूजेस टू कॉल अ डॉक्टर फॉर हर, और वो चाइल्ड बर्थ, तो जोई की जो मदर है वो उसको बर्थ देते ही मर जाती है। जो मिस्टर मैकर्चन है वो कौन है आपका, द अडॉप्टिव फादर ऑफ जोई क्रिसमस, हमने ऊपर पढ़ा था इसके बारे में कि जोई क्रिसमस का जो अडॉप्टिव फादर है जिसने उसे अडॉप्ट किया है, एंड ही इज़ अ डिवाउट Presbyterian and tries to instill religion in the young orphan he has adopted. He disapproves of Christmas growing disobedience and is presumably killed by his adopted son when the boy is 18. और ये माना जाता है कि जो उसका adopted boy था जो उसी ने क्या किया है, अपने father को मारा है और इसके बाद वो चला जाता है। Second है उसकी mother Mrs. मैकेचन, the adoptive mother of जोई क्रिसमस, she tries to protect Christmas, जो क्रिसमस है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश वो करती है, दो ही hates her and pulls away from her attempts to be kind to him. The dietitian, a woman who worked at the orphanage where जोई क्रिसमस was raised, after he accidentally sees her with a man in her room, she tries unsuccessfully to have him transferred to an all black orphanage. और डाइटिशियन जो होती है वो ऑफनेज में काम करती है, जोई क्रिसमस क्या करता है उसे एक बार देख लेता है। मिस्टर आर्मस्टेड कौन है, मैन हु पिक्स अप लेना ऑन हर वे टू जेफरसन, लेट्स हर स्पेंड नाइट एट हिज हाउस एंड देन गिव्स हर अ राइड टू द सिटी ऑन हिज वैगन। मिसेस आर्मस्टेड, आर्मस्टेड वाइफ हु गिव्स लेना मनी टू स्पाइट ऑफ हर डिस्टेन फॉर द यंग वुमेन एंड बॉबी अ वेट्रेस एट द रेस्टोरेंट ऑफ मेम्फिस हुम द एडोलसेंट जॉय क्रिसमस फॉल इन लव विद एंड प्रपोजेस टू ऑन द नाइट दैट ही किल्स हिज फादर एट अ लोकल डांस, शी स्कॉर्न्स हिम एंड लीव्स हिम, और जो बॉबी है उसे प्रपोज कौन करता है आपका, क्रिसमस प्रपोज करता है, एंड गेविन स्टीवेंस
an educated man and district attorney who lives in Jefferson and offers a commentary on some of the events at the end of the novel. Percy Grimm, last जो character हमने choose किया है, the captain of the state national guard who kills Joey Christmas and castrates him. और यहाँ पे जो Percy Grimm है वही क्या करता है, Joey को मारता है last में. अब हम बात करते हैं summary में. So Lena Grove, a young pregnant woman. यहाँ पे क्या है, आप लोगों को बहुत connection दिखेगा नहीं, but फिर भी अब story आप लोगों की समझ में आ चुकी होगी already. हमने जो character हैं इसीलिए इस तरह से describe किए जाते हैं कि आपको story character से ही समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत summary देखेंगे जिससे कि आप लोगों के दिमाग में events रह पाएँ. So Lena Grove, a young pregnant woman, leaves Alabama and heads to Jefferson, Mississippi, where she hopes to find Lucas Birch, the father of her child. तो Lena Grove जो है वो कहाँ जा रही है, Mississippi, Jefferson जा रही है और Lucas Birch को मिलने जा रही है. Lucas left saying he was going to look for a job, but he hasn't reached out months. वो ये बोलकर कि मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये प्रेग्नेंट है और वो वहाँ से चला जाता है, वापस नहीं आता है. रीचिंग द एज ऑफ टाउन, लेना सेज हाउस ऑन फायर. जो लेना है उसे एक घर दिखता है जो कि जल रहा होता है. शी अराइव्स एट द मिल इन टाउन एंड बायरन बंच हु इज वर्किंग अ शिफ्ट देयर बिकम्स क्विकली इन्फेचुएटेड विद हर. और बायरन बंच जो है वो इन्फेचुएटेड फील करता है. लीना इज़ डिसअपॉइंटेड व्हेन शी लर्न्स बायरन डजंट नो लुकस बर्च. और जो बायरन है उसे लुकस बर्च के बारे में नहीं पता होता है. सो शी इज़ डिसअपॉइंटेड. दे डिस्कस द फायर विच इज़ एट द होम ऑफ जॉना बर्डन. जॉना बर्डन के घर से क्या दिखाई दे रहा है, फायर दिखाई दे रही है क्योंकि उसको जला दिया गया है. बायरन मेंशन दैट जोई क्रिसमस एंड जोई ब्राउन टू वैगाबॉन्ड्स. दोनों के दोनों घूमने वाले जो हैं वहाँ पे वॉन्डर जो हैं वो रहते हैं. कौन कौन, जोई क्रिसमस और जोई ब्राउन, हु क्विट वर्किंग एट द मिल अराउंड द सेम टाइम एंड आर र्यूमर टू बी बूट लेगिंग विस्की लिव इन कैबिन ऑन द सेम प्रॉपर्टी. अब उसे ये बताया जाता है कि जब वो बात कर रहे होते हैं आग के बारे में तो उसे बताया जाता है कि वो दोनों वहाँ पर रहते हैं, जोई क्रिसमस और जोई ब्राउन. Hearing Byron's description of Joey Brown, Lena realizes Brown is Lucas Birch using a new name. तो उसे ऐसा लगता है कि जो Joey Brown है वही क्या है, Lucas Birch है. Elsewhere in town, Gail Tower spends his time alone in his house. He first came to Jefferson to preach but was ousted by the community after the mysterious death of his adulterous wife and now he lives isolated from the rest of town. तो वहाँ पर जेफरसन में एक आदमी है गेल हाईटावर, वो अलग में रहता है. उसे क्या किया गया है, कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि उसने अपनी एडल्ट्रस वाइफ को मार दिया है. जो हाईटावर है इज़ हाउंटेड बाय द विजन ऑफ ग्रैंड फादर फाइटिंग इन द सिविल वॉर वेयर ही वॉज किल्ड बैटलिंग फॉर कन्फेडरेसी. बायरन इज़ द ओनली पर्सन हु रेगुलरली स्पीक्स विद हाईटावर. जो बायरन था जिसे लीना मिलती है ऊपर, वही क्या करता है, हाईटावर से बात करता है. बायरन विजिट्स एंड टेल्स हिम अबाउट द फायर वेयर जोआना वॉज फाउंड डेड एट दिस सीन. और जोआना क्या है, वो उसकी डेथ हो गई है. एज अ चाइल्ड जोई क्रिसमस ग्रोज अप इन वाइट ऑफनेस. और जो जोई क्रिसमस है उसे कहाँ पाला गया है, वाइट ऑफनेस में पाला गया है. He is picked on by the other kids and beaten by the staff because he is biracial. उसे क्योंकि वो biracial है, दो दो ethnicity से उस belong करता है, so उसके parents different हैं, इसलिए उसे क्या किया जाता है, beat किया जाता है. उसके साथ में racial हम कहें discrimination होता है. जो is adopted by a strict religious man मिस्टर मैकेचन. तो ये जो मैकेचन है वो क्या करता है, उसे अडॉप्ट कर लेता है. हु बीट्स जॉई रेगुलरली एंड डिक्लेयर्स हिम अ सिनर. और उसे क्या किया जाता है, सिनर बोला जाता है. जॉई रन्स अवे एंड टर्न्स अ वैगाबॉन्ड लाइफ स्टाइल. जॉई वहाँ से चला जाता है. ये माना जाता है कि ही किल्स हिज फादर एज वेल. ही रिचेज जेफरसन इन हिज 30s एंड स्निक्स इनटू जॉनास हाउस फॉर फूड. अब वो जेफरसन जब पहुंचता है 30s में, तो आपने देखा कि जोआना ऊपर मर चुकी है, तो फ्लैशबैक में स्टोरी चल रही है. ऑलराइट, सो आपको ये देखना है कि
फ्लैशबैक में स्टोरी चल रही है, नॉन लीनियर स्टोरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। जोआना कैचेस हिम बट लेट्स हिम स्टे एंड देयर ट्यूमल्टस रोमांस लास्ट फॉर इयर्स। और जोआना उसे अपने वहाँ पर रखती है अपने साथ में, उनके बीच में रोमांस होता है। व्हेन देयर रिलेशनशिप फेल्स जोआना वांट्स देम टू एंड देयर लाइव्स एंड इट्स एम्प्लाइड जोई किल्स हर। तो यहाँ पर क्या होता है, जोआना के बीच की जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं रहती है, वो कहती है कि अब हमें मर जाना चाहिए, बट जोई उसी को क्या कर देता है, ही किल्स हर। आफ्टर जोआनास डेथ जोई फ्लीस टू जेफरसन, जोई जो है वो जेफरसन में चला जाता है। ही इज़ द मोस्ट लाइकली सस्पेक्ट बट जोई ब्राउन इज सस्पिशियस टू एज ही वॉज डिस्कवर्ड एट जोआनास हाउस ड्यूरिंग द फायर। तो जो जोई ब्राउन है, वैसे जोई जो है वो वहाँ सस्पिशियस है, लेकिन जोई ब्राउन को भी लोग मानते हैं क्योंकि वो भी वहीं पर रहता है। अ मैन हंट इंस्यूज फॉर जोई, और जोई को ढूंढा जाना शुरू होता है। ब्राउन स्टिल इन पुलिस कस्टडी ईगरली हेल्प्स अब्सेस्ड विद अर्निंग द रिवॉर्ड मनी ऑफर्ड बाय फॉर कैप्चरिंग जोई। यहाँ पे क्या है, ब्राउन जो है वो पुलिस कस्टडी में है और वो हेल्प करता है, किस लिए, क्योंकि उसे रिवॉर्ड मिलेगा जोई को पकड़वाने के लिए। जोई इवेट्स कैप्टिविटी फॉर सेवरल डेज बट इज इवेंचुअली कॉट इन द नियर बाय टाउन मॉट्स टाउन, और उसे क्या किया जाता है, मॉट्स टाउन में पकड़ दिया जाता है। जो प्रोटैगनिस्ट है वो पकड़ा गया है, मिस्टर हाइंस जो है अ लोकल मैन सीज जोई बींग एप्रीहेंडेड एंड बिकम हिस्टोरिकल। मिस्टर हाइंस एंड हिज वाइफ्स आर जोईज बायोलॉजिकल ग्रैंड पेरेंट्स, वो बायोलॉजिकल ग्रैंड पेरेंट्स हैं ये दोनों जोई के। ऊपर हम देख चुके थे जो कैरेक्टर्स थे उसमें डिस्क्रिप्शन में हमने देखा था। मिस्टर हाइंस हेट्स जॉय बिकॉज ही इज़ बायरेशियल, और मिस्टर हाइंस भी क्या करता है, उसे हेट करता है क्योंकि वो बायरेशियल है। इट इज़ मिस्टर हाइंस हु टुक जॉय टू द ऑर्फनेज आफ्टर हिज मदर डाइड चाइल्ड बर्थ एंड द हाइंस गो टू जेफरसन। दोनों चले जाते हैं। बैरन मीट्स मिस्टर एंड मिसेस हाइंस एट चर्च एंड टेक्स हिम टू मीट हाई टावर को मिलने चले जाते हैं। दे टेल हिम देयर स्टोरी। बायरन एंड मिसेस हाइंस आस्क हाई टावर टू लाई टू द पुलिस सेइंग जोई वॉज एट हिज हाउस एट द नाइट ऑफ मर्डर सो दैट जोई वॉन्ट बी किल्ड। जो बायरन और मिसेस हाइंस जो हैं हाई टावर को कहते हैं कि ये आपको पुलिस के पास बोलना है कि जोई क्या है, हमारे पास था उस दिन। हाई टावर रिफ्यूजेज एंड टेल्स एवरीवन टू लीव। लीना गिव्स बर्थ टू हर बेबी इन द केबिन वेयर जोई एंड ब्राउन यूज टू स्टे। लीना का जो है वो बच्चा हो जाता है एंड ब्राउन रिटर्न्स टू द केबिन विद द पुलिस एस्कॉर्ट शॉर्टली आफ्टर एंड मीट्स लीना एंड देयर चाइल्ड। ब्राउन फ्लीज आउट द विंडो एंड एस्केप्स फ्रॉम जेफरसन। ब्राउन जो है वो भाग जाता है वहाँ से। जोई डजंट कन्फेस टू मर्डरिंग जोआना एट हिज ट्रायल, और जो जोई है वो कन्फेस नहीं करता कि उसने जोआना का मर्डर किया है। आउटसाइड द कोर्ट हाउस ही फ्लीज अगेन, वो भागता है वहाँ से। ही मेक्स इट टू हाई टावर्स हाउस एंड हाइड्स अपस्टेयर्स, वो हाई टावर के घर में चला जाता है क्योंकि वो कम्युनिटी से थोड़ा सा बाहर रहता है और छुप जाता है। पर्सी ग्रिम अ रेसिस्ट कैप्टन ऑफ द नेशनल गार्ड पर्सीज जोई, जो पर्सी ग्रिम है वो भी क्या यहाँ पे एक रेसिस्ट कैप्टन है, वो जोई के को परस्यू करता है। हाई टावर ट्राइज टू लाई फॉर जोई बट पर्सी इग्नोर्स हिम। पर्सी गन्स जोई डाउन एंड कैस्ट्रेट हिम, जोई डाइज। और जो पर्सी है वो क्या कर देता है, जोई को मार देता है। सो आफ्टर द कमोशन विंस हाई टावर लेमेंट्स द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। He thinks of grandfather, the ruthless fighter of the Confederacy, and his father, the pacifist and preacher. Visions and sound of war envelops high towers and dies in his home. तो यहाँ जो ये जो description है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये पूरा description आपको modern English literature का important आपका description है। जो भी आपके work है तो कहीं ना कहीं जो war है वो क्या करती है, सभी को डराती है और सभी के दिमाग में वो thought है। तो इसीलिए world war जो first है वो modern English literature के लिए बहुत important है, बहुत ज़्यादा impact करती है। Byron and Lena leave Jefferson to pursue Brown. A repairman offers them a ride in his truck. The man senses Lena doesn't care if they found Brown or not. She just wants to travel for a ride.
Byron wants to marry Lena, but she bruises him, brushes him off, sorry. Again, the repairman intuits she will never say yes to Byron, and they travel along and cross the Tennessee. So, जहाँ तक जो एक डेथ होती है वो आपको यू नो आपकी स्टोरी वहीं पर तक इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को वहाँ तक याद रखना है. द टाइटल रेफर्स टू द फायर ऑफ द हाउस दैट इज एट द सेंटर ऑफ द स्टोरी. तो जो फायर ऑफ द हाउस है वही क्या है, सेंटर ऑफ द स्टोरी है. So, some critics have speculated that the meaning of the title derives from the colloquial use of word light to mean giving birth. यहाँ पे जो light का meaning है वो giving birth से है, तो ये आप लोग note down कर सकते हैं. Typically used to describe when a cow will give birth to be light again and connect to Lena's pregnancy or Lena की pregnancy से connect है. So with this we end this discussion. Hopefully you learned something from this video. If you like the video, please hit the like button and share with others. So see you soon in next video with next series. Till then, goodbye, take care, all the best.